सो गाइस आज हम करेंगे एक एनिमे रिव्यू जिसका नाम है केंगन आशुरा। ये नेटफ्लिक्स पर 2019 में ही आया था। इसका ट्रेलर मैंने बहुत पहले ही देखा था और मुझे अच्छा भी लगा था। मैं सोचा था इसे देखूंगा बाद में कभी, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स एनिमे को प्रोड्यूस कर रहा है तो एक बार तो देखना बनता ही है। तो मैंने अभी गए हफ्ते ही इसे ख़त्म किया है। अब मैं इतना बोल सकता हूँ और मैं इस एनिमे को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कोई दूसरे एनिमे से। मुझे केंगन आशुरा इतना पसंद आ गया है कि अब मुझे ये एनिमे बाकी द ग्रैपलर से भी बेटर लग रहा है। और मुझे पता नहीं लोग इस एनिमे के बारे में कुछ बात क्यों नहीं कर रहे। इतनी बाप स्टोरी और फाड़ू एक्शन वाला एनिमे मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। और लिटरली ये एनिमे को जब तुम देखोगे तो इतने हुक्ड हो जाओगे कि क्या बताओ। सच में ये एनिमे बहुत बेहतरीन है। इसमें ऐसा क्या खास है आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब गाइस बहुत हो गई बातें, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो गाइस इस एनिमे में हमारे मेन हीरो का नाम है टोकिटा ओमा, जो कि एक फाइटर है। अब इसकी कहानी और हीरो के बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसे देखने में जो मज़ा है वो एक अलग ही है। कितने लोग इस एनिमे को इसके फर्स्ट एपिसोड में ही ड्रॉप कर देते हैं मुझे पता नहीं क्यों, बट जिसने भी इस एनिमे को देखा है वो तो यार सबको रेकमेंड करेगा ही कि इसे ज़रूर देखे, क्योंकि यार इतना कमाल का एक्शन दिखाया है इसमें और इसके हर कैरेक्टर्स की अलग बैक स्टोरी है। इसमें इतने सारे फाइटिंग स्टाइल्स हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में भी सुना नहीं होगा उसके बारे में। हमने कॉमनली कराटे, जूडो, मिक्स मार्शल आर्ट्स, मोटाई, चाइनीज़ कुनफू और भी बहुत सारे सुने हैं, बट इसमें ऐसे ऐसे स्टाइल्स हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं है। इस एनिमे में हमारा हीरो निको स्टाइल यूज़र रहता है, जो सबसे स्ट्रांग और बेस्ट स्टाइल दिखाई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ब्रूटल एक्शन है और बहुत ही खून खराबा है, मतलब बहुत ख़तरनाक फाइट्स दिखाई है। तुम लोग खुद बोलोगे कि यार इसे अब तक मैंने क्यों नहीं देखा। इस एनिमे में टूर्नामेंट होता है जिसे केंगन मैचेस कहते हैं। बड़े बड़े फाइटर्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने, बट इसमें एंटर करने के लिए भी बहुत कंपटीशन होता है और तो और बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं बीच में कि क्या बताओ। इसका एनिमेशन 2D नहीं है बाकियों की तरह, पर CGI एनिमेशन है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम CGI एनिमे की क्वालिटी को बर्बाद कर देता है, पर गाइस सीरियसली मैं गारंटी देता हूँ केंगन आशुरा का CGI इतना बाप है कि तुम लोग देखते जाओगे, तुम्हें CGI से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। खाली 3 एपिसोड देखो, उसके बाद तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। बस 3 एपिसोड देखो, अगर नहीं पसंद आया तो बिंदास ड्रॉप कर देना। केंगन आशुरा में खास बात ये लगी कि ये मेनली एक्शन और कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। भले ही वो कैरेक्टर कितना भी साइड कैरेक्टर क्यों ना हो, सबको अच्छी इंपॉर्टेंस दिए हैं और स्टोरी भी अच्छी खासी प्रोग्रेस होती जाती है एनिमे के साथ साथ। किसका किसके साथ कनेक्शन है सब रिवील होगा एनिमे में। इस एनिमे के 24 एपिसोड्स हैं और ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल एनिमे है, जिसके 2 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं और दोनों सीजन में 12 एपिसोड्स हैं और दोनों ही सुपर डुपर हैं। तो इसे ज़रूर देखना और इन्जॉय करना। इसका 3rd सीजन भी बहुत जल्द आने वाला है, जो शायद यही साल आएगा। जिसके पास नेटफ्लिक्स है वो उसे लीगली देख सकता है, और जिसके पास नहीं है तो हम इंडियंस हमारी औकात पर ही आएंगे। किस एनिमे, गोगो एनिमे, हर वेबसाइट पर ये एनिमे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और गाइस जिसने भी ये एनिमे देखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। तो अब गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमासु।